हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल एसोसिएट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, और जानेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया वो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। आप देखिए, ये सीडीएफडी से भी बोलते हैं, और सीडीएफडी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी वैकेंसी पोस्ट इन रिसर्च प्रोजेक्ट इंटाइटेड नेशनल जीनोमिक्स गोल फंडेड बाई डीबीटी। तो ये जो आपका एप्लीकेशन, ये टेम्परेरी बेस पे है, और ये डीबीटी, ये जो है डीबीटी का प्रोजेक्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि नेशनल जीनोमिक्स को जो इसका प्रोजेक्ट टाइटल है उसके अंतर्गत इन्होंने जो है वैकेंसीज को निकाला है। ठीक है, आप देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन एंड एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द यूजर फॉर द अंडर मेंशन वैकेंसी इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो वैकेंसी है वो रहेगा आपका, जो लाइक वैकेंसी का नाम है वो है टेक्निकल एसोसिएट एक्सपेरिमेंटल, और जो पोस्ट वो वन है। एज लिमिट यहाँ 35 ईयर्स दे रखी है मैक्सिमम, और जो कंसोलिडेटेड एमोलूमेंट्स जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 40,000 से 70,000 पर मंथ के बेस पे। अब जो ये 40,000 से 70,000 पर मंथ जो आपका कंसोलिडेटेड एमोलूमेंट्स से डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे बेस पे। अगर बात करें सेंसर क्वालिफिकेशन, तो आपका एमएससी होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, या आपका बीएससी होना चाहिए विद 3 ईयर्स ऑफ लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री या अदर रिलेटेड डिसिप्लिन में। इसके अलावा आपका मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडिशन टू द अबव क्वालिफिकेशन ऑफ वर्किंग इन हाई थ्रो आउट जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म्स। यानी कि अगर आपका एमएससी आपने किया है उसके बाद भी आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा। अगर हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए होल जीनोम टारगेटेड सिक्वेंसिंग में, आरएनए सिक्वेंसिंग, GWAS एंड मिथाइलेशन एरे में। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, एक्सपीरियंस इन अ सर्विस लेबोरेटरी, प्रोफिशिएंसी इन मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी प्रिपरेशन एंड और ऑपरेशनल ऑफ सीक्वेंसिंग ऑब्लिक माइक्रोएरे प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने देखिए, यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो ये मांगी है, तो अब जो आपका पे ग्रेड है यहाँ पे 40,000 से 70,000 रुपीज़ पर मंथ का जो आपका सैलरी है वो डिपेंड करता है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे। अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को आप फिलफिल करते हैं तो आपकी सैलरी को अप टू 70,000 पर मंथ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप फिलफिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 40,000 से 50,000 के बीच जो है वो सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, नेचर ऑफ ड्यूटी आपको करना क्या है, आपको वर्क क्या करना है, हैंड्स ऑन मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग, माइक्रोएरे डाटा की एनालिसिस आपको करनी है, डेटा एनालिसिस, पाइपलाइन ऑपरेशंस एज वेल एज अदर रिलेटेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज जो है वो आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो ये जो पोस्ट है टोटली जो है टेम्परेरी पोस्ट है, और ये जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए रहेगी। यानी पहला जो है आपका 1 ईयर के लिए रहेगी पोजीशन, इसके बाद आपका अगर वर्क जो है या प्रोजेक्ट जो सेटिस्फाई दिखता है तो इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो SC ST OBC फिजिकली हैंडीकेप्ट या एक्स सर्विस पर्सन या EWS एप्लीकेंट है उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए, तो आप जो है इंटरेस्टेड है, और जो जितनी भी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो आप जो है इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है आपको, अपनी सॉफ्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आपको जो है वो सेंड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको ngcrcrmt@cdfd.org.in पर जो है आपको एक भी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप क्वेरीज भी ले सकते हैं, और लास्ट डेट जो है 28 जुलाई 2021 है। इसके अलावा इन्होंने बोला, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विदाउट कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट आई लाइबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी है, तो अच्छी बात है कि आप जो डायरेक्टली इसे ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इंटरेस्टेड है CDFD में एज अ प्रोजेक्ट, एज अ टेक्निकल एसोसिएट काम करने के लिए, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ताकि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस जो भी मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि ये एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है CDFD। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वैकेंसीज को यहाँ पर भी निकाला है। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट को निकाला गया है, जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस रहेगी, और जो प्रोटेक्ट इसका जो प्रोजेक्ट है वो है टेस्टिंग ऑफ ब्लड सैंपल्स फॉर रैपिड एंटीबॉडीज बाई RFF IT टेस्ट अंडर डॉक्टर रीटा एसमानी एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो वायरोलॉजी एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर नेम ऑफ पोस्ट है वो आपका टेक्निकल ऑफिसर है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखी है वो 1 है, और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी होना चाहिए। अगर आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वायरोलॉजी लेबोरेटरी में, जो कि एसेंशियल है, यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वायरोलॉजी लेबोरेटरी के लिए, और जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, और आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी वो 30,000 मिलेगी कंसोलिडेटेड, यानी ओवरऑल जो सैलरी आपकी यहाँ पे बनेगी वो रहेगी 30,000। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे मेंटेनेंस एंड प्रोपगेशन ऑफ सेल लाइंस एंड वायरल स्टॉक आपको करना है, यानी कि जो सेल लाइंस है उसका मेंटेनेंस और उसको प्रोपगेशन करना पड़ेगा, और जो स्टॉक्स रहेगा वायरस का वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको रैपिड फ्लोरोसेंस फोकस इनहिबिशन एंड टेस्ट करना पड़ेगा एंड रेबीज एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एनी अदर वर्क डिजाइन बाय द असाइंड बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, तो वो भी आपको करना है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, और जो ड्यूरेशन रहेगा आपका पोस्ट का वो 1 ईयर है। इसे बढ़ा सकते हैं अगर आपका वर्क जो है या प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 6 मंथ को भी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर 6 मंथ का प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर रिज्यूम एंड एज प्रूफ आपको सेंड करना है virologynimhans@gmail.com पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जब भी अपना कोई भी लाइक एप्लीकेशन सेंड करें तो उसमें आप मेंशन करें नोटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड पोस्टर एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू रहेगा। तो और जो लास्ट डेट है यहाँ पे लाइक आपका जो हार्ड सॉफ्ट कॉपी रिसीव करने का वो है 16 जुलाई 2021। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस से आया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।